बैना लाडली योजना बनाई है, उससे गरीब महिलाओं को मदद मिल रही है। और कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों द्वारा पब्लिक को जो डराने का काम हुआ। नारायण सिंह कुशवाहा जी के बारे में हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ का बच्चा बच्चा भी कुशवाहा जी से परिचित है। नमस्कार, मैं ऋचा कौशिक, आप देख रहे हैं भारत। अभी हम इस वक्त ग्वालियर में, जहाँ पे चुनावी गर्मी बनी हुई है, बीजेपी कांग्रेस और सारी पार्टियाँ आपस में अपने चुनाव प्रसार में लगी हुई हैं। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं ग्वालियर दक्षिण में, जहाँ पे बीजेपी की सीट से यहाँ पे हमारे साथ ओमकर नारायण जी यहाँ पे लड़ रहे हैं चुनाव। यहाँ पे उनका जनसंपर्क है, जनता सैलाब यहाँ पे पूरा बना हुआ है। यहाँ की जनता से जुड़ते हैं और जानते हैं उनके दिमाग में या उनके मन में किस प्रत्याशी को लेके क्या भावनाएं चल रही हैं। तो अपने जनता से बात करते हैं और चुनाव में क्या उनके मन में है, क्या बातें हैं, क्या उम्मीदें लेकर जनता किस प्रत्याशी को चुनती है, उस पर हम बात करते हैं। आप बताइए, आपकी क्या राय है ये जो चुनाव आ रहे हैं विधानसभा? सबसे पहले मैं एन भारत को बधाई देना चाहता हूँ कि निर्वाचन विभाग के द्वारा जो स्वतंत्रता का परिणाम जो हम सबको देखने को मिल रहा है, और दक्षिण विधानसभा की बात करें तो हमारे प्रत्याशी हैं श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी। नारायण सिंह कुशवाहा जी के बारे में हमें किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ का बच्चा बच्चा भी कुशवाहा जी से परिचित है, क्योंकि लगभग 15 साल मंत्री रहने के बाद में इतने विकास कार्य कराए हैं जो आप सबके सामने हैं। और अभी आप बात करें कांग्रेस की, तो उनका चाल चरित्र चेहरा बहुत ही अलग है। अभी दिग्विजय सिंह जी का जो बयान आया था कन्या पूजन के ऊपर, तो अपन समझ सकते हैं कि सनातन संस्कृति को किस प्रकार से ये लोग, इनकी मानसिकता दर्शाती है कि ये किस प्रकार से देखते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कन्या को मारूपी का दर्जा दिया गया है, और उनके यहाँ उनका टंचमाल आइटम इन शब्दों से संबोधित किया जाता है जो उनके कमलनाथ जी करते हैं। तो सनातन संस्कृति को जब सम्मान ही नहीं करते, अभी हमने देखा राहुल गांधी जी शिवरात्रि सावन के महीने में लालू प्रसाद यादव जी के यहाँ पर मीट बना करके, बीफ बना करके उनको खिला रहे थे उनके परिवार को। और हमारे यहाँ उस समय व्रत का त्यौहार चल रहा था, जो कि सनातन संस्कृति को हम लोग मानते हैं। तो दोनों पार्टियों में अपन कहें तो जमीन और आसमान का अंतर है। आज ये वही कमलनाथ जी हैं जो सिख दंगों के गुनहगार रहे हैं, 1984 में सिख दंगों के गुनहगार रहे हैं, उन्हें आज हम अपना मुख्यमंत्री कैसे स्वीकार कर लें, आप ही बताएं। आप बताइए, आपकी क्या राय है इस विचार? हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, और जो शिवराज सिंह चौहान जी ने बैना लाडली योजना बनाई है, उससे गरीब महिलाओं को मदद मिल रही है, और जो गरीब जनता, जो उनको विश्वास है, तो वो भारतीय जनता पार्टी पे है। और मैं छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा को भरपूर वोट मिलेगा, और पूरे सीटें एमपी में माननीय हमारे भाजपा के लिए रहेंगी। और जनता इस बात को समझ रही है कि कांग्रेस पार्टी धोखा देने वाली पार्टी है, झूठे वादे करती है। और देवेश सिंह आज से 25 साल पहले बिजली पानी दे ना सकी, वो सरकार निकम्मी थी, इसलिए जब केंद्र में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, वो देश के बारे में सोचते हैं, और ये देश की जनता भी सोचती है, नरेंद्र मोदी को चाहती है। और इसी बात से मैं बोलूँगा कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी की सीटें निकल रही हैं। बस आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि इस बार मैं सब जनता से कहना चाहता हूँ कि घर से लेकर कर हर इंसान को अपना मतदान करना चाहिए, इसलिए देश की मजबूती और देश की एकता, जो बाहर की जो और देश के जो नेतागिरी होती है, उसकी भारत की ताकत बढ़ती है। मैं यही निवेदन करता हूँ भारतीय जनता पार्टी को, आशीर्वाद दे, जय हिंद जय भारत। देखिए, मध्य प्रदेश में जो चुनाव हो रहा है, यह चुनाव बहुत निर्णायक चुनाव है, और मुझे ऐसा लगता है कि जनता इस बात का आकलन करेगी कि 2018 में जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई थी, उनके 15 महीने के अंदर जो उन 15 महीने में जिस तरह से अवैध वसूली और कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों द्वारा पब्लिक को जो डराने का काम हुआ, व्यापारियों को, मैं व्यापारी भी हूँ, जिस तरह का एक माहौल
भय का माहौल उनके द्वारा बनाया गया, जनता में बहुत गुस्सा है उसके प्रति। उसके बाद जब माननीय सिंधिया जी हमारे साथ में आए तो जो विकास के काम रुक गए थे, ऐसा लगने लगा था कि प्रदेश के अंदर कोई जिस तरह एक सरकार चेंज होती है तो ऐसा लगता कि पूरा विकास काम रुक गया था। सारी सरकार की योजनाएँ, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री तीर्थस्थान योजना हो, संबल योजना हो, सारी योजनाएं बंद कर दी गई थी। मुख्यमंत्री अपने चैम्बर से निकलते नहीं थे। आप 15 महीने में देखेंगे कि कमलनाथ जी ने पूरे प्रदेश में कितने दौरे किए, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी हैं वो लगातार, उनको लोग पांपा वाले भैया इसीलिए कहते हैं कि वो सवेरे 6 बजे से लेकर रात को 2 बजे तक निरंतर जनता के संपर्क में रहते हैं, जनता से संवाद करते हैं। और मैं दक्षिण की अगर बात करूँ, जो हमारे विधायक जी हैं उन्होंने अगर कुछ काम किया है तो सिर्फ एक काम किया है कि जगह जगह पर कुर्सियाँ लगवा दी हैं, उस पर लगवा दिया है दक्षिण का बेटा। इसके अलावा कोई भी एक विकास कार्य में बता दें आकर, मैं अपने भाजपा के छोटे से कार्यकर्ता से लेकर और व्यापारियों के बीच आके बोल दें कि मैंने एक बड़ी योजना उस 15 महीने में, हम मानते सरकार नहीं थी आपकी, लेकिन 15 महीने में कोई एक योजना बनाकर दी हो कि मैं ये योजना मैंने बनाकर दी है और ये योजना में काम सरकार ने रुकवा दिया हो, ऐसा भी कोई काम नहीं हुआ। और जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं कि मैंने स्कूल बनवा दिए हैं, तो विधायक जी से मैं बोलना चाहूँगा कि वह स्कूल CM राज के द्वारा बने हुए हैं और मध्य प्रदेश शासन ने जो फंड दिया है उसके द्वारा उन स्कूलों का निर्माण हुआ है। झूठी वाहवाही लूटने से कुछ नहीं होता है। निरंतर वो इस बात को मानूंगा कि वो पदयात्रा उन्होंने की, लेकिन पदयात्रा जो उन्होंने की है उसका कोई जनता में प्रभाव नहीं है, क्योंकि व्यक्ति को जब तक कोई लाभ नहीं मिलेगा व्यक्ति आपसे नहीं जुड़ेगा। हमारे जो माननीय प्रत्याशी हैं सहज हैं, सुलभ हैं और सरल हैं, लगातार जनता से उनका संवाद रहता है। हर होली दीपावली वो प्रत्येक व्यापारी के घर पर, अपनी जनता के घर पर मिलने जाते थे और उनकी शुभकामनाएं लेते भी थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे। इस बार 2023 के चुनाव में मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है और पूरा देश 2022 में श्रीराम मंदिर देखना चाह रहा है, उसका बहुत बड़ा प्रभाव इस चुनाव में होने वाला है। सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारा रहेगा वो विकास का रहेगा, जनकल्याण का रहेगा और मोदी जी का सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। फिर एक बार भाजपा सरकार, जय जय श्री राम, जय श्री राम। आपने देखा अभी हम ग्वालियर दक्षिण की जनता से जुड़े और यहाँ पे लोगों की राय जाने। आपको मैं बता दूं, जनता तो बोलेगी। मैं ऋचा कौशिक, कैमरामैन संजय पांडे के साथ ग्वालियर मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के और जिलों में जाऊंगी और यहाँ पे चुनाव को लेके लोगों के बीच क्या उम्मीदें हैं, प्रत्याशियों के प्रति उनकी क्या भावनाएं हैं, आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। तब तक देश और दुनिया की और तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे एन भारत के साथ। नमस्कार।